सामुद में पानी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। पीने के पानी की अनिश्चितता और अनियमितता के कारण ग्रामीण हुए आक्रोशित। आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सामुद के पंचायत मुख्यालय के बाहर धरना दिया। सामुद के दैगर मोहल्ले वासियों ने बताया कि पिछले कई सालों से बनी है पीने के पानी की गंभीर समस्या। जलदाय विभाग के अधिकारी और सरपंच को कई बार करवाया जा चुका है अवगत करवाने के बाद भी पीने के पानी की बनी है समस्या। सामुद के हेरिटेज विलेज में कई वार्डों में नहीं पहुंचा पानी। बच्चे, महिलाएं, पुरुष दूर दराज क्षेत्र से सिर पर पानी ढोकर लाते हैं। घटना स्थल पर ग्रामीणों के बीच पहुंचे चौमू के जलदाय विभाग के जेईएन। ग्रामीणों ने पंचायत समिति सदस्य महेश यादव और पूर्व सरपंच दिनेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में जलदाय विभाग के जेईएन को एक्सईएन के नाम सौंपा ज्ञापन। जेईएन ज्योति सैनी ने जल समस्या का समाधान का दिया आश्वासन। नवभारत समाचार चौमू राजस्थान से पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।